नमस्कार दर्शक बंधु डिबेट टाइम को स्वागत। आज प्रसंग हूँ कांग्रेस को नहीं कांग्रेस रे कौन चली। दर्शक बंधु सबु कल्पना जल्पनार अवसान घटे कांग्रेस कार्यकारी सभापति अर्थात पीसीसी कार्यकारी सभापति पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी आज दल छाड़ी। एक भी चर्चा करा अनेक दिन आगु से दल छाड़े जदिओ से गणमाध्यम प्रतिक्रिया रखुते मुँ कांग्रेस रही अच्छी किंतु दल तो छाड़े कुआडे जी चर्चा होता विजु जनता दल किंतु कौ दल से जोग दौंट से जोग नदेबा पूर्व आम कहीपरानी से कौटिक जी किंतु दल छाड़ा बेले जो चिठी लिखिंट कांग्रेस अध्यक्ष को ताच अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से चिठीर कियदंश अर्थात लाइन्स गुड़िक मुंक सामना को आने चाहिए। अत्यंत दुख आ जंत्रणार सहित कांग्रेस छाड़बार निष्पत्ति नहीं एक सोनिया गांधी को चिठी लिखुं प्रदीप माझी न मागि कांग्रेस मत बहुत किसी अर्थात से कृतज्ञ दल पाखे आपण नेतृत्व में दल सुसंगठित अर्थात दल सुसंगठित किंतु एवं ना कि विभिन्न स्तर में किसी अपारकों पर दल विश्वसनीयता हरा क्रेडिबिलिटी हरा एक से लिखिंट पुणी दल सुदृढ़ होगापी बहुत समय लगे के समय लगे बोध हुए तार उत्तर खोजी पाईना प्रदीप माझी एवं पद पदवी में थी मुक सहित कम करनी अर्थात कार्यकारी सभापति पदर थी से सन्तुष्ट नुहंती जो तमाम विषोदगार या भितर अच्छी किसी लोकों पर दल प्रति कृतज्ञता अच्छी एक कहपर मुझे कौ कौ पद पदवी में रही थे प्रदीप माझी ताकू भी मुझे जड़ीदे चाहिए जो मैंने एक जाणी ना जिला परिषद अध्यक्ष से होते प्रदीप माझी एवं कांग्रेस टिकेट रे से लोकसभा सांसद मध्ये होइतिले कथा जानिछंति एवं कांग्रेस तांकु तीन तीन थर लोकसभा प्रार्थी करिछि टिकेट मध्ये देइछि ता भितर से थरे मध्ये जितिछंति एवं युव कांग्रेस रो सभापति मध्ये तांकु दल करिछि ए गुरु दायित्व मध्ये तांकु देइछि एवं एआईसीसी रो संपादक भी करिछि एवं जदि देखिबे ए जो निर्दिष्ट पदरे से रहितले पीसीसी रो कार्यकारी सभापति तेणु ये होछि गुरुत्वपूर्ण जे कांग्रेस थारु प्रदीप माझी एते सब जिंस पाइछंति कहउछंति मु कृतज्ञ किंतु दल छाडीबा पई बाध्य होउछंति तार कारण दुख क्षोभ जंत्रणा एक कथा से लिखिंट मुझे ये कथा उल्लेख करने चाहिए जे प्रदीप माझी क्लास कुलेसिका चंद्रशेखर माझी एम दल छाड़े एम कहार पाली पड़ो मु कांग्रेस टी भोट परसेंटेज देखापी चाहिए जे दल जो तो डाउन डाउन होली क्रेडिबिलिटी हरा प्रदीप माझी कहते देखो 2000 मसीह 34.68% 2004 34.82% 2009 को खसिला 29.10% को 2014 को आसला 25.07% 2019 16.12% भोट पाइला कांग्रेस एवं जदि आप पिपिली उपनिर्वाचन सद्य को देखिए 2.4% भोट अर्थात दल कौ स्तर को आसल चिंता करूँ प्रदीप माझी ताकूरी अत्यंत दुख और क्षोभ प्रकाश करते तेणु जो विराट प्रश्न चिन्ह सृष्टि होता जानवर आवश्यकता रही जहाँ को लेकिन आम आलोचना करवा चर्चा करवा जहाँ बिग क्वेश्चन जे कौन चली प्रकृत में कांग्रेस आग को कांग्रेस स्थिति कौन हम लोक कहले कांग्रेस गोटे टाइटेनिक जहाज ये आगक पुणी बुड़ी बुड़ी जीव कि कहीं दल छाड़ जड़े पर जड़े नेता ताकू आलोचना करार आवश्यकता रही चंद्रशेखर माझी कैलाश कुलेसिका प्रदीप माझी क्या पाड़ी अर्थात किए छाड़ कांग्रेस दल छाड़बार उद्देश्य राजनीतिक भविष्य ना अपछर आउ किसी कारण रही जानवर आवश्यकता रही कांग्रेस भविष्य ना कि अनुभव कर पीसीसी परिस्थिति रे कांग्रेस हाईकमाण्ड अवगत कि नुए अर्थात दिल्ली रे जो हाईकमाण्ड अच्छा गांधी परिवार कहतु प्रति निर्वाचन पर कौन समीक्षा करुच्ची प्रकृत में कांग्रेस कहीं एमती रसातल को चली चली जाऊँगी ये कथ ये प्रश्नवाची जरिया सामना को आसूँ और कुहुड़ा दलय असंतोष कहीं प्रशमित कर रूप परवर्त समय एक घटू प्रदीप माझी दल छाड़बार निष्पत्ति गोटे दिन में नहीं ना ये चिंता आलोचना चर्चा विचार विमर्शता कर्मी सहित करेंगे लगातार भाव में दल जदि जाणुच कहीं अटकौनी आलोचना करूनी ये तमाम कथगुड़ी आसव आम आलोचना करवा कांग्रेस तरफ मनोज महापात्र मुखपात्र मो सहित सामिल होती श्रीक्त ललित मिश्र राजनीतिक समीक्षक दूरी होती दुईज को स्वागत प्रथम श्रीक्त मनोज महापात्र आपण निकट आरंभ करने चाहिए जितेबाला अन्य दल में मिश्रण पर्व से कांग्रेस खाली हो जाए प्रदीप माझी जिते बड़े दल छाड़ से जंत्रणार कथा कहते से क्षोभ अच्छी से भल पाइबा भी अच्छी दल प्रति से कृतज्ञता भी जनक जा देखो किसी दिन है गोटे ट्रेंड है दीर्घ 8-10 वर्ष पूर्व एमती नाला मैक्सिमम नेता ठीक इलेक्शन पूर्व दल छाड़ कौ दल निज सुरक्षित स्थानपी सी बार्गेन करे सक्सेस होे सक्सेस होशेषकर प्रदीप माझी केस हूँ संपूर्ण अलग प्रदीप माझी कथा कहतु चंद्रशेखर माझी कथा कहतु कि आप कैलाश कुलसिका कथा कहतु
ये दिन थिला कोरापुट एवं नवरंगपुर थिला कांग्रेस रो गड़ एवं कोरापुट रु गिरिधर गोमा को मुख्यमंत्री होइतिले सेठी आठ थर एमपी होइतिले नवरंगपुर रु मध्य खगपति प्रधान होइतिले एवं से समय रे कांग्रेस दल प्रदीप माझी के आणिकी जेतेबेले सदर नायक ठू आरंभ करी एंटायर कोरापुट एवं नवरंगपुर एकदम स्ट्रांग होल्ड जेतेबेले थिला 50% रु एबो वोट पाखापाखी रहुतुला कांग्रेस रो से समय आपको गोटे जिला परिषद टिकेट दबा लगे एंटायर जिते कांग्रेस संगठन विरोध करा कौटी नवरंगपुर जयदेव जेना पीसी सभापति थी बेले प्रथम गोटे जिला परिषद टिकेट देते कालक्रमे से कन्भेन्स कर जिला परिषद चेयरमैन कराई प्ररोचन सी होते युव कंग्रेस सभापति राज्यर परवर्त मुहूर्त में पार्लियामेंट टिकेट दिखाई पार्लियामेंट से जीती कहते ताले संगठन जेतेबले 50% पाखापाखी भोट थिला से भोट को वर्तमान कमेबापी दायित्व किए नब संगठन मुख्य दायित्व तो सी तुलाउले हाथ तो आहरी 12टा जिला थिला प्रदीप माझी कर प्रथम कथा निज को पचार दरकार ना अलग किसी कुकर्म कर जो कर्म को घोड़ेपी से आज के आम देखु दीर्घ देढ़ वर्ष दि वर्ष हम से कौटी जीवे कौन करेंगे सी तरह सब छिंडो भाग छिंडे कौ दल को जी केन्द्र सरकारी दल को जी कि राज्य सरकारी दल को देखो कांग्रेस खसी खसी चली भोट परसेंट आप प्रदीप माझी एकाकी दोष दे देबे जे प्रदीप माझी सेठी विशेष किछि करि पारलेनी नै नै सेठी दायित्व किए थिले एआईसीसी रो पाखा पाखी सबटु क्लोजेस्ट लीडर एआईसीसी प्रेसिडेंट ठु आरंभ करि एवं हमर टॉप मोस्ट लीडर के थिला प्रदीप माझी थिले बा कहली सेठी गिरिधर गोमांग छाडी देले हम जो संगठन कथा कहउछन गिरिधर गोमांग छाडी देले कोन से सीट हम एबे पार्लियामेंट जितिलु कोरापुट मध्ये जितिलु ठीक सेइ बोली भाबे खगपति प्रधान ठु आरंभ करि बड बड नेता सेठी थिले ता अर्थ नु जे प्रदीप माझी एकमात्र नेता थिले मु कहली जेतेले समस्त विरोध कांग्रेस दल ईडा कांग्रेस दल को हाथ छाड़ी सी जा कथा हूँ आप सबुआ भल करते पूरा जदि आप साउथ रे खराब करते हुए तो प्रदीप मासी को दोष दे था आप जो पीसी सभापति दुई दुईट सीट रू हार पूर्वतन पीसी सभापति लगातार हार्च प्रदीप माझी की आपको एका दोष दे कि खसी जावाई कांग्रेस चाहिए कि दोष दौने प्रदीप माझी जो गेला पुह हवा कथा हूँ कार मन अच्छे ठीक से ही भाव लखीमपुर आप आसतु कला स्कूल शिक्षा तीन दिन पूर्व जॉइन कले जानते बैकग्राउंड कौन ता पूर्व पप्पू माझी सेठी एमएलए थे बापा चार चार थर एमएलए थे समय क्रमे कांग्रेस दल सुजोग देला कला स्कूल शिक्षा को कला स्कूल शिक्षा निजे के आत्मचिंतन करजक पचार कांग्रेस दल मत आोस्ट देला पोस्ट देला एमएलए टिकेट देला सी एमएलए और कांग्रेस टिकेट सहयोग दवा सहित द्वितीय थर टिकेट देला कला स्कूल शिक्षा निजक पचार राजनीति पूर्व सी निजे कौन थे आज भी मुझे कहूँ सी आत्मचिंतन करूँ राजनीति पूर्व सी जहाँ थे से जन किए आस एमएलए टिकेट दबा कथा कि प्रदीप माझी निजे कौन थे से निजी चिंता करपा राजेन्द्र छाड़ी कौ अवस्था चिंतन करता कहते निकट अतीतर कथ 2011-12 समय क्रमे दल हूँ सुप्रीम दल जहाँ को चाहिए केत किए ना गोटे जो नाउरी कात होपे नाउरिया ठीक थे कात किए होपे अतीतर आम देखी विजु जनता दल जे कात होते से कात भाविले मुझे हूँ दलर सुप्रिमो सुप्रिमो दल रही अच्छा विजु जनता दल नवीन बाबू विदा करदे कह बेईमानटा से मेथड्रे जो मेथड्रे जो वे सी विदा कले कहे ये बेईमानी कर दल सहित बेईमानी करता कौन बर्तमान ये प्रजोज्य हमने बड़ नेता ओडिशा रो पांच पांच थर मुख्यमंत्री बेईमान कहते शुणु अतीतर आम पांच पांच थर प्रेजेंट मुख्यमंत्री बीजू जनता दल सरकार अच्छे बीजू जनता दल सरकार पॉपुलर मैंडेट नहीं रही मुख्यमंत्री पॉपुलैरिटी अच्छे कौन आवश्यकता पड़ी नवा लगे मुख्यमंत्री कौन आवश्यकता पड़ी एवं तो निर्वाचन नहीं कौन सेवा करेंगे आपको द्वारा अधिक सेवा हो पार यही तीनो विजु जनता दल से जाकर आवश्यकता पड़ी आपको लगुच्छे विजु जनता दल एक बल से सक्षम नुहे कि प्रदीप माझी को लेकिन आहरी बलशाई हाँ चेस्टा करते चाहती निजर बल बढ़ाया
पाई जेनतेन प्रकार से माने समस्ते चाहती सब पॉलिटिकल पार्टी से माने चाहती तांकर बड़ बढ़े तो कौन असुविधा देखुं प्रदीप माझी को लेकिन जो मैंने सब राजनीति करते जो मैंने क्यारिययर राजनीति करमएलए हवा एमपी हवा लोकप्रतिनिधि हवा से सब चाहिए गोटे मान क्षमता जितबार गोटे पसबिलिट विनाबिलिटी थी दरकार दल में निर्वाचन मंडल से दुटा जी नथिबो से सब चेष्टा करेंगे आम कौ दल गले मैं निर्वाचन जीतिपर तेणु बीजेडी रो रिक्वायरमेंट बीजेडी बहुत 46% कंफर्टेबल पोजिशन अच्छी तार भोट सेयार सी बर्तमान बाय इलेक्शन आप देखते बार बहुत भोट जीति जा तार आसेम्बली रे रिक्वायरमेंट ना एम 100 तल तार 2009 ना ये जो सब सिचुएशन बीजेडी गोटे रिक्वायरमेंट ना कि बीजेडी जब एडिशनल भोट डेवलप कर किसी असुविधा ना एम जाऊँच कहीं से आप देखले भूपिंदर सिंह 2014 भूपिंदर सिंह पलैले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे तापर आप देखले आउ जड़े नव दास देखते वर्किंग प्रेसीडेट पलैले दल पुणी क्षतिग्रस्त होगा ये जड़े वर्किंग प्रेसीडेंट प्रदीप माझी इज ए भेरी गुड मैन जड़े ट्राइबल लीडर एक्टिव लीडर सी पलैले दल निश्चित भाव सेटबैक हम एवं कला कोरापुट जी चली जो जो धरण लोक दल छाड़ दौंस निश्चित भाव कोरापुट कांग्रेस तार प्रभाव पड़ो बहुत प्रभाव पड़ो आप द्वितीय कोरापुट कांग्रेस किसी झमेला अच्छे देखते सांगठनिक समस्या अच्छी से विषय में चेलाकुमार डॉक्टर चेलाकुमार आसिक इंटरव्यून करते कि बुझाबुझि करते कि हलानी प्रदीप माझी गोटे लोक जी द्वितर हारे भक्त दास नहीं राहुल गांधी सहित देखा कले तथा बेस किसी प्रभाव पड़लानी एवं सीतापुर छाड़देले आज निश्चित भाव गोटे सकिंग इनसीडेट कि व्यक्तिगत सिचुएसन बाहर को जी जदि 2000 आप जो कहले 2000 रु 2019 पर्यंत भोट सेयार कटिकोटी कटिकोटी दल रहा दल जो भोट सेयार कटिकोटी जाए गोटे लीडर आवश्यकता अच्छी जो लीडरटा स्टेट खोजिकी पाई एवं दल परिस्थिति उपरे केन्द्र को जो मैंने प्रभारी होती केन्द्र को ठीक भाव खबर दे पा ना देखो 2004 2000 मैंने हारीगले आंटी इनक्यूमेन्सी धरवा आगुरी सरकार थे 95 2000 तेणु हारीगले ठीक अच्छे 2004 हारीगले तथा आंटी इनक्यूमेन्सी देखा कि 2009 जिते बीजेडी बीजेपी आलायन्स कटिगला से कांग्रेस गोटे अपरचुनिटी माने आउ थे बाउंस बैक करने कांग्रेस जदि किसी परफॉर्मेंस है लोकसभा भल नंबर पाइले बीजेपी मार्जिनालाइज होगा लोक बीजेपी के भोट देले कांग्रेस पाखे रे लोकसभा भोट कांग्रेस बहुत पाइला एमपी एवं विधानसभा परसेंटेज 27 जन जीतीगले परसेंटेज भल था कि जो 2014 आसला पुणि से भोटा मेन्टेन होलानी पुणी ड्रप कर सर एवं कौन प्रकृत होगा लगुच्छे कांग्रेस हाईकमाण चाहू नाशा कहतु वेस्ट बेंगल कहतु बिहार कहतु किसी राज्य में चाहू ना कि ये प्रकृत में उठवा उठवार जो विनेबिलिटी फैक्टर टी कथा कहले से कथी देखा जाने कौन भी घटी जाऊ पीसी सभापति दीदी थर कहूँ मुझे इस्तफा दे दिए पार्टी अफिस गंडगोल हो कि भी मुंड खेल चाहू ना कि मुझे देखो ये जमी निजे गोटे नेशनल लेवल गोटे इश्यू अच्छी नेशनल लेवल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम अच्छे G23 G22 गोटे डिविजन हो तेनाली नेशनल लेवल गोटे थ्रेड परसेप्शन अच्छे नेशनल लेवल एवं कांग्रेस डेवलप कर पारे हे तो एक्टिविटी नौ पोजिशन नौ आंटी बीजेपी सरकार विरुद्ध नौ कि नहीं पारे स्टेट लेवल देखिए कतेटा स्टेट अच्छा एक्टिव अच्छा कर्नाटक आप देखते गुजरात कर्नाटक अच्छा से बैक कर पारे गुजरात मुझे गुजरात गोटे भोलाटाइल परिस्थिति से नरेन्द्र मोदी गड़टा कि कर्नाटक गोटे पसबिलिटी आम देखिपे पंजाब गोटे पसबिलिटी था पंजाब देखो गोटे कन्फ्यूजन एरिया को पलैला तेणु गोटे केते गोटे स्टेट अच्छे जो थी प्रेजेंट अच्छा राजस्थान भाया आउ कत गोटे स्टेट अच्छे जो डेवलपिंग स्टेज रही अनेक स्टेट अच्छा जो थे किसी हवार ना से जो किसी हमारे ना स्टेट भितर मतलब लगुच रखें ओके सुख मनोज महापात्र एक कथा आपण एक कथा हाईकमाण भावुंत कि प्रकृत ये किसी हेनी तेणु जहाँ हो जाऊ जे भी जाऊ प्रदीप माझी भाई आसेट जातु कि गत काली सका पीसी सभापति छाड़ी पलांतु कि लीडर ऑफ अपोजिशन छाड़ी पलांतु से मुंड खेल ना मुझे जी छाड़ी जब तक किए रख नहीं छाड़ी जबार प्रक्रिया बहुत दिन आगुरी हो जाऊँगी तो ये जो पार्टी भितर जो कथी कहीं आलोचना हो पारे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को अटकई पारे सचिन पायलट से असंतोष प्रकाश करतीशगढ़ गोटे स्टेबल गवर्नमेंट सिटी डिस्टेबिलाइज हो तो ये जिनस गुड़ी तो मैनेज कर दल तरफ नहीं मैनेज करा बेले बेले कष्ट होता है ये एत आंबिशियस
सपोज प्रदीप माझी लाइफ रे थरे एमपी होती से नवरंगपुर सात थर आठ थर एमपी होती से दल रे साइलेंट थिला बेले ये कौन पाई वर्तमान दल डेले सी तो हूँ मुख्य प्रश्न यही जो एलिमेंट को दल गोटे भूल करलिमेंट मान को पावरफुल कर व्यक्तिगत सफलता एमती कर दि जाइए प्रोफाइल एत स्ट्रंग कर दिहे जहाँफल से दल डेक सुजोग पाँच से सामान कथा विजु जनता दल हो विजु जनता दल जन छाड़ी गलापर तार देखिए इंडिपेडेंट ठिया हो 4000 भोट पुरुने कहीं दल को स्ट्रेंथन कर दल सहित किसी व्यक्ति यहाँ मुझे दल रोलीसी कौट भूल रोचे जो किसी व्यक्ति की प्राधान्य दिहे से व्यक्ति डेपट हाँपी चेषा कर दल सामूहिक भाव डेवलप करता दल सांगठनिक कथा चिंता करता व्यक्ति कि मानते जहाँ प्रादुर्भाव जो मैंने जीति निजस्व उद्यम जीति दल कहला भूल कथा भूल कथा तो कहते स्ट्रंग करदेलु दल जी स्ट्रंग हाँ कहली समस्त भारत बर्ष सारा कथा फिर किसी तो अच्छु दल आम दल छाड़ दे ना माने जो माने दल छाड़ दी एमपी एमएलए योग्यता थाए कि 147 जन एमएलए हे टोटाल ओडिसा रे 21 जन पार्लियामेंट को जिबे कि 10 जन राज्यसभा को जिबे एतिक तो होची सीट तार भीतर एडजस्ट करिया पड़े दल को जदि भल पाइबा रहइबो प्रथम कथा चिंता करिबा दरकार प्रदीप माझी तुम बापा को विजु जनता दल फोफाड़ी देथला तापर तुमको कौन थिलो छोट पिला तुमको आणिकी कहली सी जो कंपलसन भितर आते जयदेव जेना पीसी सभापति था आस पहुँचे गोटे पिला को स्नेह श्रद्धा दे कि तेज जिला परिषद मेंबर जिला परिषद चेयरमैन युव कांग्रेस सभापति राहुल गांधी मार्क करेंगे लास्ट वर्षक भितर राहुल गांधी हाईकमांड कहा सहित बोधे कथना जन नेता जी प्रदीप माझी डाकिंग कथिन स्टेटमेंट कौन तो कौन बुझे कौन था राहुल जी सहित साक्षात कली मोर जहाँ रही बर्तमान सब बुझीपारी मुझे कांग्रेस संगठन को आगे नेबी ए स्टेटमेंट पांच दिन तले दो दो आज फिर छाड़ी दबा नहीं मोर कहा कथा आपण देखंतु हिमंत विश्व शर्मा को भली नेता आसाम रो मुख्यमंत्री हे पारछंती आपण ज्योतिरादित्य सिंधिया तांको भी जदि पॉलिटिकल एम्बिशियस को आजिवो से जाई के केंद्र मंत्री होचन त प्रदीप माझी काहे के स्वप्न देखिबेनी मु गोटे मंत्री हेबी पी पुणी लोकसभा को जीवी कि राज्यसभा को जीवी ए तो व्यक्तिर चरित्र मु कहू छु मधु केडा मध्ये गोटे गोटे सीट जीतितले से मध्ये मुख्यमंत्री हेइतले मुख्यमंत्री स्वप्न देखिया भलो जिते उच्च आकांक्षा रहा भल ना पुरुष केमती हे से देखिए भल कि कौ वे देखुं ओके सेवा करने जा सरकारी दल को अरे सेवा करने गांधी की गोपबंधु को पूजा करके नीति आदर्श जाओ सेवा कर ओके सेवा कर केवल सरकारी दल में कौटी इंदिरा आवास आंटे से किसी परसेंटेज आसो कौन कौन आलिगेसन आणुले आज के लास्ट सीरीज जो एलिगेशन आनी कहा अगेंस्ट प्रदीप माझी एलिगेशन आनुले कौन करेंगे आशा करवा ललित मिश्र मुझे आसवि आपको लोकटे नेताटे हाई एम्बिशियस हम वर्तमान समय से जो नीति नैतिकतार कथा कहते बोधे बहुत वर्ष होगा राजनीति अपसरी गला एक आम भी आशा करवा गोटे वृथा हम तो आप कौन देखुं प्रदीप माझी से जो कहते दल सुधरियापाई बहुत समय लगे अर्थात गोटे इंडिफिनाइट टाइम ताक भी से जाणी ना तो से कहीं पड़ी रही है ये कथाटी मनरे भी आसुव तो आपको लगुनि भविष्य गढ़ा दरकार से छाड़े ना सी जहाँ कौन ठीक कथा कहते कितु राज्य कांग्रेस जी सब दोष देदेव केन्द्र केन्द्र जो आम डेवलप करूँ केन्द्र जो तो आम डेवलप करूँ केन्द्र जो तो कर्नाटक डेवलप करुच्छे केन्द्र जो तो राजस्थान में मंत्रिमंडल हो पार्टी केन्द्र जो तो पंजाब में हो पार्टी तेणु इटे जो इश्यूटा को जेदिन पर्यटन एम खाली उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम पश्चिमवायु आसे वर्षा हाब गच उठ ये कौन आम निज राज्य कौन कर देखूँ 76 फोरफिचर अफ डिपोजिट 2019 माने जो फर डिपोजिट लॉस है कैंडिडेट मानक 76 कैंडिडेट मानक गला 14 थिला 40 कैंडिडेट मानक फर फ्यूचर अफ डिपोजिट डिपोजिट लॉस होगा कि 2009 देखिए केवल 26 जन को जाता से बीजेपी 93 जन फर फ्यूचर अफ डिपोजिट होता आप आज यदि देखिए बीजेपी फर फ्यूचर अफ डिपोजिट ओनली 13 चेंज होगा लोक 2009 बीजेपी की देले नहीं रिजेक्ट कले
ଏବେ ଯେହେତୁ 2009-2019 ଭିତରେ କିଛି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଲାନି, ନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇପାରିଲା, ତେଣୁ ଲୋକ ଆଉଥରେ ପୁଣି ବିଜେପି ଆଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି 2009 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲେ କି ଖରାପ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ମକିମ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଛ ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ମକିମ ବାବୁ ଯଦି କଟକରୁ ଜିତୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ, ସୁରାଇ ଯଦି ଜିତୁଛନ୍ତି, ଜଟଣୀରୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଦିନ ଡିସିସନ୍ ଝୁଲେଇକି ରଖୁଛି, ବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉନି ଉପର ଲେବୁଲରେ? ଏଠି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତାକୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କରିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇସ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପିଲ୍। ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆରଥରକ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ସାଉଥରେ ଷ୍ଟଡି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରହ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆମର ଥିଲା, ସେଠି MLA ଥିଲା ଗଜପତି MLA ଥିଲେ, ଯେ ପାଲାଖଣ୍ଡି MLA କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କର ଫଲ୍ କରିଗଲା, ଯଦି ତିରୁପତି ଆମକୁ ସେମାନେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମହନା, ସିଏ ଗୁଣୁପୁର ରାୟଗଡ଼ା, ଚାରିଟା ସିଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଫାଇନାନ୍ସିଂ କରି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେଠି ଗ୍ରୁପ୍ ପରି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ PCC ତରଫରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଗଲା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ଦେଲେନି, ସେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଜିତିଲେ, ତାଙ୍କର ମହନା କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲା, ଜିତିବା ସିଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡଟା କଂଗ୍ରେସ ହାରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ତ ସେ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଦି ଯଦି ଗୋଟେ ଯିଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଙ୍କର ବେଲ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାନି, ଏବଂ MLA ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ MLA ତାଙ୍କୁ ବା ଭଲ ଲୋକ ବା ମାନେ ୱିନାବିଲିଟି, ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ନୁହଁ, ୱିନାବିଲିଟି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନଦେବେ, ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ମେସେଜ୍ ପାଇବେ ଦଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେମିତି ହେବ, ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ MLA ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେତ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ବହୁତ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଇଯାଉଛି, କିଏ କେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ବି କହିଦେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କହିଦେବ, ସେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ଏ ଭରସା ବି ତାର ଅଛି, ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି, ପୁଣି ଏ କଥା ଘଟିଯିବ, ଏଇ କଥା ଅଧିକ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଇଯାଉଛି କି ପାର୍ଟି ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ରାଇଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଶାସନରେ ଅଛି 21 ବର୍ଷ ଧରିକି। ମୁଁ କହିବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। କୌଣସି ବି ପରିବାରଟେ ହଉ କି ଦଳ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ହଉ, ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିବ, ସେ ଦଳ କେବେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ସେଟା ମୁଁ ଆଡମିଟ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ, କିଏ କାହାକୁ ମନା କରିନଥାଏ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ନା ସେ ଅଫିସରେ ବମିଂ ହେଉନି, ନା ସେଠି ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କରେ, ଏକଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ବି ଅତୀତରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ଏଠି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ବୋଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ଏଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ୍ କିଏ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠିକ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକଦମ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋର 147 ସିଟ୍ ଦରକାର ଆଉ 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେସି ବା ଆଣ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ MP MLA ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଥା ହଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା, ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କହୁଛି, କିଏ ମନା ନାହିଁ ବା, ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହୁଛି ଏବଂ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରୁଛି, ବା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଦଳରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏଠି, ମୁଁ ଏଇଟା ତ କହୁଛି ନା। ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଫେରେ ଏଠି ଲାଗୁ ହବ ନା ନାହିଁ, ଏଠି ବି ଲାଗୁ ହବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ଇଭିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପୋଜିସନ ଖରାପ ଅଛି, ଯେ ସବୁଦିନେ ଏ ଠିକ୍ ଏଇ ସମାନ କଥା 77ରେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ସମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ରହିଲେ ଭାରତ ଉଦୟ କଥା କହିକି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଲଳିତ ଭାଇ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ,
गजपति दायित्व गजपति दायित्व प्रदीप माझी कंदमाल दायित्व प्रदीप माझी जाक प्रधान एमएलए थे टिकेट कहीं कटला प्रदीप माझी तार आंसर देवे कि क्लेश प्रधान मात्र 200 वोट ना गोटे कथा हूँ ब्रॉडली आम कांग्रेस निज भितर जड़े जहाँ से रिजाइन करदे मानने निरंजन पट्टनायक समय सरीगला आज ना कल से परिवर्तन हे एबे गोटे ग्रुप हो यंग लोक क्या गोटे दिंतु से मुकिम हूँ कि यंग लोक जे दायित्व एम एल ए नहांते सी भी हूँ कौन हूँ ना गोटे यंग लोक दिंतु जो मैंने कि कम करेंगे ग्रास रुट लेवल कारण देखो गोटे रिजनाल पार्टी सहित से कंपीट कर रिजनाल पार्टी ग्रास रुट को पलाऊँ रिजनाल पार्टी सहित बीजेपी भी कंपीट कर पार नहीं आर थर देखे जहाँ आस नेशनल पार्टी हिसाब से तार परफॉर्मेंस मनोज महापात्र सुयुक्त ललित मिश्र थे कांग्रेस कथा आलोचना करते नजर रही प्रदीप माझी कौटी जाऊँच चर्चा होता विजु जनता दल ना आई दल को अपसन भाव में बाचुं परवर्त समय राजनीतिक भविष्य कौन से रोचे अनेपटे जो मैंने भी तल दिन में आसी राजनीति भविष्य और जेहतु आग को निर्वाचन रगू आहरी के दल डिया पर्व आसब एक जारी रही कौ दल को कौ माने जाउछंती कहार झूला केते भरुछी तापर भी नजर समय सरी आलोचना को नमस्कार।